हाँ जी बच्चों, ये अपना डाउट है, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। ये इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ 2x³ प्लस ax² प्लस 2bx प्लस 1 एंड 2a माइनस 3b इक्वल 4। ये बच्चों दो कंडीशन दे रखी है। देखो, एक तो हमें ये कहा कि एक्स प्लस वन जो है, ये जो हमें फंक्शन दे रखा है इसका एक फैक्टर है। फैक्टर का मतलब होता है बच्चों, फैक्टर का मतलब है कि अगर हम x प्लस वन से x की अगर वैल्यू फाइंड करेंगे, x प्लस वन को 0 के बराबर रख के आप x की वैल्यू फाइंड कर लो, x इक्वल माइनस वन आ गया। इस x इक्वल माइनस वन को इस इक्वेशन में अपने पुट करेंगे, x इक्वल माइनस वन को इस इक्वेशन में हमें पुट करना होगा। ठीक है, ये जो इक्वेशन दे रखी है ना, फंक्शन दे रखे है, इसमें हमें पुट करना होगा। अभी कर देता हूँ मैं, देखो। और इक्वल में क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। क्यों? क्योंकि कोई किसी का फैक्टर तभी होता है जब वो पॉइंट उसके अंदर रखने पर इक्वल में 0 क्या करे, सेटिस्फाई करे। क्लास 9th के अंदर आपने पढ़ा था, फैक्टर थ्योरम थी आपके पास क्लास 9th के अंदर, फैक्टर थ्योरम। क्लास 9 में फैक्टर थ्योरम जो थी वो हमें ये कहती है कि अगर कोई किसी का फैक्टर है, लाइक एक्स इक्वल माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ 2x³ प्लस ax² प्लस 2bx प्लस 1। अगर x इक्वल माइनस वन बच्चों इसका फैक्टर है, तो माइनस वन इसमें रखने पर इक्वल में 0 की कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। लाइक वी हैव 2, x की जगह रखेंगे माइनस वन, ये क्यूब प्लस ए, x² की जगह रखा माइनस वन का स्क्वायर, प्लस 2b, x की जगह बच्चों रखा माइनस वन एंड प्लस वन इक्वल में रख दिया बच्चों 0। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। माइनस वन क्यूब आएगा, माइनस वन इंटू टू माइनस टू, प्लस ए एज इट इज, माइनस वन का स्क्वायर बच्चों वन ही होता है तो ये वन ही लिख दो। ठीक है, 2b इंटू माइनस वन, तो ये माइनस का 2b हो जाएगा और ये प्लस का 1, इक्वल में आ गया बच्चों 0। ठीक है, देखते जाओ। सबसे पहले यहां से हम एक इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले ये ए लिखेंगे, ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, ए ही बनेगा। फिर ये बी वाला स्टेप लिख लेंगे, माइनस का 2b, और ये माइनस का 2 और ये प्लस का 1, ये बच्चों बनेगा माइनस का 1, इक्वल में आ गया 0। यहां से एक तो इक्वेशन हमारे पास ये बन चुकी है, ये ए माइनस 2b माइनस 1 इक्वल 0, एक इक्वेशन ये बन चुकी है हमारे पास। और एक इक्वेशन बच्चों अपने पास ये रही जो हमें गिवन है, 2a माइनस 3b इक्वल 4। 2a माइनस 3b इक्वल 4। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन है, ये जो आगे तभी सोल्व होगा जब आपको चैप्टर थर्ड आएगा। अगर आपने अभी चैप्टर थर्ड नहीं किया हुआ तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन सोल्व नहीं करना आएगा, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वो मेथड आपको चैप्टर थर्ड के अंदर समझाया जाएगा। अगर चैप्टर थर्ड आपको नहीं करवाया गया तब आपसे ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को करता हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड देखिएगा ध्यान से, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है कि आप किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लो एक बार। देखो, लाइक फर्स्ट इक्वेशन से बच्चों हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए इक्वल आ गया। ये दोनों स्टेप कहाँ चले जाएंगे, राइट में चले जाएंगे, तो 2b उधर जाके प्लस का, 1 भी उधर जाके प्लस का, ये वैल्यू पुट कर दो, पुट इन सेकेंड, पुट इन सेकेंड, जहां ए दिख रहा है ना सेकेंड इक्वेशन के अंदर, वहां ये रख दो 2b प्लस 1 और कैलकुलेशन करो। देखो, 2 एज इट इज, ए की जगह रख दिया हमने 2b प्लस 1, माइनस 3b एज इट इज इक्वल में है बच्चों 4, कैलकुलेशन करो, 2 इंटू 2, ये 4b बन गया, 2 बन गया, 2 बन गया, माइनस का 3b इक्वल 4। अब ये 4b माइनस 3b क्या बनेगा बच्चों, ओनली b बनेगा, और ये प्लस का 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा बच्चों, 2 ही आ जाएगा। दिस मीन्स b की वैल्यू आ गई बच्चों आपके पास, b की वैल्यू आ गई 2। जब किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाए तो उसे पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, जैसे मैं इसको पुट 1 में ही कर देता हूँ, ये बन जाएगा अपने पास a माइनस 2 एज इट इज, b की जगह भी क्या पुट करेंगे, 2 आया, माइनस 1 इक्वल में 0,
ये ए माइनस का फोर, टू टू या फोर हो गया, माइनस वन इक्वल जीरो, माइनस फोर माइनस वन माइनस का फाइव बन गया, राइट हैंड साइड में जाके प्लस का फाइव बन जाएगा। तो ये ए की वैल्यू फाइव आ गई, बी की वैल्यू क्या आई है बच्चों, टू आई है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जिन बच्चों को चैप्टर नंबर थर्ड नहीं आता उनसे नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन, या उनको एक बार रटना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। बात समझ आई कि एक बार उनसे ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा या रटना पड़ेगा, कि यहाँ भी ये सब्स्टिट्यूशन मेथड अभी समझाया नहीं है अगर क्लास में तो नहीं समझ आएगा। बिल्कुल सिंपल था, अदरवाइज अदरवाइज आपको क्या करना था कि ये जो आपको फैक्टर दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको एक फैक्टर दे रखा है, ये एक्स प्लस वन जो है बच्चों, ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, ये जो फैक्टर ऑफ टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स के प्लस टू बी एक्स प्लस वन, कोई भी अगर फैक्टर होता है किसी का तो वहां से एक्स की वैल्यू निकालो। लाइक वी हैव एक्स प्लस वन को जीरो के बराबर रखे, एक्स की वैल्यू निकालो, एक्स की वैल्यू होगी माइनस वन, ये माइनस वन इस एक्स की जगह पुट करके कैलकुलेशन करो, इस एक्स की जगह पुट करके बच्चों क्या करोगे, कैलकुलेशन, और इक्वल में जीरो रखना है, क्योंकि कोई किसी का फैक्टर तभी होता है, क्लास 9 में फैक्टर थ्योरम की थी हमने चैप्टर सेकंड में, कोई किसी का फैक्टर तभी होता है जब वो इक्वल में जीरो की कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो एक्स की जगह माइनस वन रखे बच्चों, टू इंटू माइनस वन क्यूब होता है माइनस टू, ये ए बन जाएगा, ये माइनस का टू बी, माइनस टू प्लस वन माइनस का वन, पहले ए लिख दो फिर ये माइनस का टू बी लिख दो फिर कॉन्स्टेंट लिख दो, ये इक्वेशन वन आ गई। इक्वेशन सेकंड बच्चों आपको क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है, ये क्वेश्चन में ये जो इक्वेशन दे रखी है ना, टू ए माइनस थ्री बी इक्वल फोर, ये आपको क्वेश्चन में दे रखी है। तो ये क्वेश्चन में जो इक्वेशन दी थी उसमें एक इक्वेशन सेकंड लेके चला। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है कि किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो। लाइक हमने इक्वेशन वन से ए की वैल्यू निकाली, ये टू बी उधर जाके प्लस का, वन भी उधर जाके प्लस का, तो ये टू बी प्लस वन बन गया, ए की वैल्यू टू बी प्लस वन आ गई, इसको हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर टू में, और फिर हम क्या करेंगे बच्चों, कैलकुलेशन करेंगे, ये टू टू या फोर बी, टू वन या टू, माइनस थ्री बी एज इट इज, फोर बी माइनस थ्री बी बच्चों बी, प्लस का टू उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, तो बी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों हमारे पास, बी की वैल्यू बच्चों अपने पास आ गई टू, बी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों हमारे पास टू आ गई। जब एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाए, जब बी की वैल्यू टू आ चुकी है, तो हम इसे पुट कर देंगे इक्वेशन वन में। इक्वेशन वन हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे ये जो बी दिख रहा है ना, आप यहाँ पर पुट कर दो, क्या यहाँ पर आप पुट कर दोगे टू, तो टू टू या फोर हो गया, माइनस का फोर माइनस वन माइनस का फाइव उधर जाके प्लस का फाइव, तो ए और बी दोनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।